हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं आप सभी के साथ कुरकुरे से बनने वाली बहुत ही डिलीशियस रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। दोस्तों, आपने कुरकुरे तो खाई ही होगी। उस कुरकुरे और बचे हुए चावल से मैं बहुत ही डिलीशियस और एकदम आसान रेसिपी शेयर करूँगी। दोस्तों, इसे बनाना बहुत आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट बनता है, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा और आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिएगा। आशा करती हूँ आपको ये रेसिपी पसंद आएगी। गाइज, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और पास का जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए, ताकि आगे जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए जल्दी से ये रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो गाइज, यहाँ पर मैंने लिया है एक मिक्सी जार जिसमें मैं कुरकुरे को ऐड कर ले रही हूँ और अब इसका हम लीड लगाएंगे और पाउडर बनाकर तैयार कर लेंगे। तो गाइज, इस तरह का पाउडर जो है हमें बनाकर तैयार कर लेना है। चलिए इसे अलग बर्तन में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसी मिक्सी जार में हम बचे हुए चावल ऐड करेंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 2 हरी मिर्च और 2 सूखे लाल मिर्च। आप मिर्ची की क्वांटिटी अपने अनुसार कम कर सकते हैं। साथ ही इसमें हम ऐड कर रहे हैं कॉर्नफ्लावर, तो 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर मैंने इसमें ऐड किया। और अब इसका हम लीड लगाएंगे और इसको जो है पीस कर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह का मिश्रण जो है बनकर तैयार हो जाएगा। इसे मैंने अलग बर्तन में निकाल लिया और इसमें मैंने अदरक का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, काला नमक, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, इन सभी चीजों को डालकर इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो गाइज, ये अच्छे से मिक्स हो गई है। चलते हैं अगले स्टेप में। तो यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई। कढ़ाई में ऐड कर रही हूँ पानी। पानी को अच्छे से उबलने देंगे दोस्तों। तो पानी देखिए अच्छे से उबल गई है। तो अभी जो हम लोग ने चावल का मिश्रण तैयार किया है उसे ऐड कर लेंगे और इसे ऐड करके हमें इसे अच्छे से चला लेना है। गाइज, इस तरह से हमें चलाते हुए इसे पकाना है ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। तो धीरे धीरे देखिए ये इस तरह का तैयार होने लगेगा। गाइज, अब इसमें हम ऐड कर रहे हैं चावल का आटा। इसे डालकर हमें इसे अच्छे से मिक्स करना है। तो गाइस, इसी तरह से चलाते हुए हमने इसे 2 से 3 मिनट के लिए अच्छे से पका लिया है और देखिए ये अच्छे से सेट हो गई है। तो चलिए इसे अलग बाउल में ट्रांसफर कर लेते हैं। इसे थोड़ा इस तरह से फैला देंगे ताकि ये हल्की ठंडी हो जाए। अब इसमें हम मिला रहे हैं कुरकुरे का पाउडर। थोड़ा इसमें हम नमक ऐड कर रहे हैं। नमक की क्वांटिटी ठीक से डालिएगा क्योंकि पहले भी हमने काला नमक थोड़ा ऐड किया था और कुरकुरे में ऑलरेडी जो है नमक होता है, तो नमक जो है अपने स्वाद के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा। और इसे डाल लेने के बाद देखिए मैंने इसे अच्छे से हाथों से मिक्स कर लिया है।
तो गाइज ये अच्छे से मिक्स हो गई है। तो इस तरह से थोड़ा सा मिश्रण हमें अपने हाथों में लेना है और इस तरह से गोल कर लेना है। फिर दोनों हथेलियों की मदद से हम इसे अच्छे से गोल कर लेंगे और हल्का प्रेस कर देंगे ताकि इस तरह का शेप जो है बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से गाइज हमें थोड़ा सा मिश्रण लेना है और दोनों हथेलियों की मदद से हमें इसे गोल करते हुए हल्का प्रेस कर देना है ताकि ये इस तरह का शेप जो है बनकर तैयार हो जाए। तो इसी तरह से हमें सभी को तैयार कर लेना है। तो गाइज सभी को मैंने इसी तरह से तैयार कर लिया है। तो चलिए अब इसे हम फ्राई करते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैंने लिया है कढ़ाई, कढ़ाई में है कुकिंग ऑयल। ऑयल को अच्छे से गर्म होने दिए हैं दोस्तों। तो तेल जो है बहुत अच्छे तरीके से गर्म हो गई थी तो हम इसमें फ्राई होने के लिए एक एक करके इसे ऐड कर लिए हैं। तो सभी को ऐड कर लेने के बाद हमें इसे अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई करना है। इसे सभी तरफ से पलटते हुए हम इसे अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर का फ्राई कर लेंगे। तो गाइज ये सभी तरफ से अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर की फ्राई हो गई है। तो चलिए तेल को छानकर अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं। देखिए गाइज ये कितनी सुपर क्रिस्पी दिख रही है, ये इतनी ही क्रिस्पी बनती भी है। तो तेल को छान लिए हैं, चलिए अब इसे हम अलग बर्तन में निकाल लेते हैं और इसे अब हम टोमेटो सॉस के साथ सर्व कर लेंगे। तो दोस्तों तैयार है कुरकुरे और बचे हुए चावल से बनने वाली ये सुपर क्रिस्पी, सुपर टेस्टी और सुपर इजी रेसिपी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि इसे बनाना कितना आसान है, तो आप इस रेसिपी को अपने घर में जरूर ट्राई कीजिए, बनाइए, खाइए और अपने अनुभव को हमें कमेंट करके बताना मत भूलिएगा। और ऐसी ही इजी और डिलीशियस रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, अगली वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ फिर से मिलते हैं। जब तक कि चैनल के साथ जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।